नमस्कार, खबर समेत स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल महाशिवरात्रि के अवसर पर राजधानी भोपाल के सबसे प्राचीन मंदिर बड़ वाले महादेव मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर पूजन अर्चन किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज शिवरात्रि है और शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं, इसलिए माता पार्वती की आराधना और शिव जी की आराधना आज हम कर रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा था कि शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। इसी तरह हमारे देश में महिला दिवस पर सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार 400 पर भाजपा 370, मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीट हम जीतेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार। शंकर भगवान की जय, ईश्वर भगवान की जय। पूरे गौरंग शिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर जब हम एक तरफ भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं, शक्ति की पूजा भी कर रहे हैं। भगवान शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। मैं भगवान भोलेनाथ से भैया पार्वती से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब पर, मध्य प्रदेश पर, देश पर, दुनिया पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और सब ये भी सोच लें कि शक्ति के बिना काम नहीं चल सकता। मात्र शक्ति का सम्मान, बेटी और बहनों को बराबर स्थान, इसका संदेश भी महाशिवरात्रि का पावन पर्व देता है। तो आइए भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती की उपासना के साथ हम अपनी बहन और बेटी और माताओं को भी पूर्ण अधिकार और पूरा सम्मान दें, क्योंकि दोनों बराबर रहेंगे तभी सृष्टि का संतुलन बना रहेगा और तभी सब सुखी होंगे। वो तो आपकी बार 400 पार, अकेली बीजेपी 370 और मध्य प्रदेश में 29 की 29, फिर एक बार मोदी सरकार। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।